वस्तुते ओम फणाशतलशेखरं ददुपुष्पं वित्तपुष्पं करिष्यणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां प्रभु जी पवित्र राम राम जी सारिया ने हेलो एवरीवन राम राम जी टुडे स्पेशल डे अक्षय तृतीया एंड वी केम टू टेक पार्ट इन पूजा फॉर लक्ष्मी डेडिकेटेड टू लक्ष्मी बस और ये आश्रम है संत सेवा आश्रम है तो यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट होने वाली है 10:30 पे तो अभी जस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी कोई भी नहीं आया है बहुत सारे लोग हैं प्रिपेयर कर रहे हैं ओके दिस इज प्रिपरेशन गोइंग अभी फिलहाल हम थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे भाई काफ़ी लोग हैं Можно меняться, можно кто-то один это донес, но благо получат все, то есть просто кто-то будет ведущий донесет. Харе Кришна, Харе Кришна. Чуть-чуть, нет, назад, да. Харе можно кто-то, кто хочет, Hare Rama, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare возвращаю к тебе, потому что это моя
prosperity, happiness, success. И прошу, чтобы в нашем семье тоже было единство и также благополучие. После этого можете сделать вот так три раза воды зачерпнуть и вылить обратно в канду. Прабу, थोड़ा सा अंदर जाके डालने कोई? Поняли, что? Гера है यहां. तो नहाने वाले जाते हैं. Everyone can put the water on this one. Om Namo Narayana Swaha. Om Namo Narayana Swaha. Om Namo Narayana Swaha. Om Namo Narayana Swaha. I'm already experiencing this. In this day. Gada. अब तो मैरिज हुई है. हाँ, रिमेम्बर क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज में इसी ने गड़ा उठाया था. अब याद आया मुझे, तो ये थोड़ी एक्सपीरियंस हो रही है इस चीज में अभी. दिस इज लंगर ना भाई, प्रसाद बट रही है सभी के बीच में और प्रभु जी दे रहे हैं सभी को प्रसाद. अभी सासा का नंबर आने वाला है. अभी फिलहाल हम जा रहे हैं घर क्योंकि भाई सुबह निकलना है यहाँ से और बाइक प्रिपेयर करनी है, उसका काम है थोड़ा सा वो करवाना है और सुबह 4 बजे निकलना है, जो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा शायद. अभी फ़िलहाल भाई मैं बाइक लेके जा रहा हूँ और यहाँ से ये कटवाना पड़ेगा क्योंकि जब मैं राइड करता हूँ तो ये टच होता है जब बॉक्सेस फिट हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से. और दूसरी सीट मैंने वहाँ पे पूछनी है, यहाँ पे कोई अगर फिक्स कर देगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये हार्ड है, ज़्यादा हार्ड है तो ये थोड़ी कम्फर्ट नहीं रहती, तो लंबे रूट के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है. और तीसरी चीज़ है, मुझे टायर पंचर के लिए किट लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ करीबन 400 किलोमीटर और लास्ट टाइम भी यूँ था कि भाई 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर आना था यहाँ पे, उसमें भी मैंने गलती की थी, किट नहीं ली थी पंचर वाली. शायद पंचर हो जाता भाई कहीं पे भी और दूर दूर तक कोई भी टायर पंचर वाला नहीं था, तो इस बार मैं गलती नहीं करना चाहता. तो यहाँ पर मुझे एक टायर किट पंचर वाली लेनी पड़ेगी अपने साथ में. थैंक यू मी मोबाइल भाई साहब. यहाँ पर तो डेड बॉडी है यार एक बंदे की, पुलिस को कॉल करना पड़ेगा भाई. तो भी फोन हो माय गॉड.